हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, आवर्ती जमा खाता की इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिससे आपकी 5 मार्क्स जो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म होगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, क्योंकि बहुत लोगों को डिमांड था कि हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनाए, क्योंकि एक ही वीडियो में चीजें नहीं मिल पाती, समझ नहीं आ पाती। इसलिए आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है कि आपको एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो के द्वारा समझा सकूं। ठीक है, तो भाई हर एक वीडियो को अच्छे से देखते जाओ, डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने लायक क्वेश्चंस है मैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करा रहा हूँ, वो भी इजी वे। अगर आप इससे पहले नहीं भी पढ़े हो ना, तो डेफिनेटली सिखाने की जिम्मेदारी हमारी, बस जो स्टेप्स बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। ठीक है, तो चलो देखेंगे आवर्ती का, लेकिन आवर्ती ये वाला लिखा है आवर्ती जमा खाता करके। ठीक है, तो मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 साल के लिए क्या क्या आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 साल बाद उस मोहन को कितना मिलेगा। ये देखो यहाँ पर आवर्ती की बात दिया, इस स्टेप में फॉलो करना है, बहुत आसान तरीका, आपको लिख लेना है दिया क्या P बराबर, P का मान देखो भाई कितना है, 100 रुपए हर महीना जमा कर रहे ना वो बेचारा। ठीक है, फिर 5 वर्ष के लिए, तो एक तो R लिखना है, एक तो N लिखना है, N कितना है 5 वर्ष, और उसमें ब्याज की दर कितना है, यहां पर देखो लिखा हुआ 6%, तो बस इसको कर लो। अब देखो क्वेश्चन में ये नंबर बदला जा सकता है, ये नाम बदला जा सकता है, ये मत बोलना भैया सर आपको मोहन वाला बताया था, लेकिन आपको ये सिखाते हैं चलिए, बस नाम बदले नंबर कैसा नहीं बदले, आपको जो स्टेप्स बता रहा हूं ना उसको फॉलो करना है। ठीक, तो देखो P बराबर इतना, R बराबर 6%, N बराबर 5 वर्ष, तो आवर्ती जमा खाता में करना क्या होता है ध्यान से देखो, जो वर्ष रहता है ना साल वाला रहता है उसको महीना में बदल देंगे, तो एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना है, तो 5 साल में कितना होगा 12×5=60 महीना, तो 60 माह इस तरीके से ये हो जाएगा, आगे समझ। ठीक है, अब देखो करना क्या, सिंपल सा आवर्ती जमा खाता का सूत्र लिखो। ठीक है, आवर्ती जमा खाता में देखो सीधा सीधा वो पैसा 5 साल बाद कितना निकलेगा वो गणना नहीं होता है, वो कैलकुलेट नहीं होता है, सबसे पहले क्या निकलने पड़ते हैं ब्याज, तो ये ब्याज के सूत्र होते हैं। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होते हैं सूत्र, भाई पी गुणित आर गुणित एन गुणित एन प्लस वन ऐसे, हालांकि बुक में दूसरा सूत्र है उसको, मतलब यही सूत्र है लिखने का, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग, उस चीजों को समझो यहाँ, पी गुणित आर गुणित एन गुणित एन प्लस वन लिख लेना, फिर नीचे मां 100 × 12 × 2 ये लिखना है, बस सिंपल से फॉर्मूला याद समझो, क्वेश्चंस आपकी बन गए, पी गुणित आर गुणित एन गुणित एन प्लस वन, और नीचे में 100 लिखना है, 12 लिखना है और 2 लिखना है, आगे यहां तक। अब मान रखना है सिंपल से, मान रखते चलो पी के मान कब कहा है 100, तो 100, आर के मान 6 और एन के मान जो है 60, तो 60 × 60 + 1, तो ऐसे लिख दो भाई 60 + 1, और नीचे मां कतका कतका भी 100, 12 और 2, आगे यहां तक समझ, जो मान रखना है उसको ध्यान से देखो, अब जो कटता है उसको कटा दो ऊपर नीचे, एक ही स्टेप नहीं कटाना है याद रखो, हमें स्टेप्स बढ़ाना है, पूरी तरीके से 5 मार्क्स लेके आना है, तो यहां से 100 और 100 खत्म, अगर सिर्फ 0 खत्म होता तो मैं 0 0 को कट करता। अब देखो यहां से 12 एकम 12, अब ये 12×5=60 हो जाएगा, एक ही स्टेप में मत कटाओ, जो बाकी उसको लिखो, 6 बाकी है, यहाँ का 5 बाकी है, और यहाँ का 60 और 1 61 बाकी है, और नीचे में कितना बाकी है सिर्फ ये 2 बाकी है, तो 2 एकम 2 और 2 3 6 ये हो जाएगा। अब देखो क्या क्या बाकी है, 3 × 5 × 61 बाकी है, ये ब्याज है अभी। ठीक है, अब अगली स्टेप में जब इसका गुणा कर दो पूरा, तो हम चलो इधर देख लेते थोड़ा, ब्याज बराबर हुआ, ब्याज बराबर 3×15 और गुणा में 61, इसका गुणा कर दो। ठीक है, तो ब्याज निकल जाएगा 15×15 = 5, हासिल रहेगा 1, और 15×15 = 75, 15×15 = 90, और 1×91 = 100, तो 900 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो क्या उस मोहन को 5 साल का सिर्फ 900 रुपया नहीं ना भाई, हमें एक्चुअल में उसको कितना मिलेगा, तो भाई जो पैसा जमा किया वो भी तो मिलेगा ना ब्याज के साथ में, तो ये वाला लाइन लिखोगे आप लोग 5 वर्ष बाद मिलने वाली राशि। ठीक है, क्या 5 वर्ष बाद मिलने वाली राशि, इस तरीके से आप कर लेंगे। तो देखो 5 साल बाद कौन कौन सा मिलेगा, एन मिलेगा जितना जो पी मिलेगा उसको जितना महीने तक वो जमा किया है, पी मतलब ये वाले मूलधन और एन मतलब उसकी समय, पी को जितना महीना जमा किया वो तो मिलेगा, प्लस में उसको ब्याज मिलेगा, तो इस तरीके से ये सूत्र हो जाएगा। पी का मान कितना है 100 रुपया हर महीना जमा किए, कितना महीना तक 60 महीना तक, देखो 60 है ना,
तो उसी सम को आपको लेना है। तो ब्याज की मान को देखो, ब्याज की मान कितना रुपया है, 915 ना, तो 915 ऐसे लिख देना, आगे समझ। अब देखिए कर गुणा कर दे, 60 और 100 की गुणा कर दे, 6 एक कम 6, और देख ए जगह के 2 जीरो और ए मां के 1 जीरो, ऐसे तो 3 जीरो हो जाएगा 6000 प्लस में 915। अभी दोनों का जोड़ दो, 6000 में 915 जोड़ोगे तो 6915 रुपया हो जाएगा। बता दो, अतः हम मोहन को 5 वर्ष बाद 6915 रुपया प्राप्त हुआ कर, इतना कर दिए तो बेटा कि आपको 5 मार्क्स कंफर्म हो जाता। अब कोई सभी नंबर दे आपको, कोई सभी यहां कोई से भी बदले आपको, ये बन जाना चाहिए और डेफिनेटली आपका आवर्ती या स्वाधी में से एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। क्लियर है? ठीक।